हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इतना चौड़ में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं अपने घर आ चुका हूँ, मैं जयपुर आ चुका हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारा माहौल देख के, क्योंकि मैं कई सालों से ये चीज़ें मिस कर रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आई एम सॉरी मैं आप पे थोड़ा सा लेट आया हूँ क्योंकि मुझे फीलिंग इतनी अच्छी आ रही है। एंड फाइनली मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ अपनी मम्मी को, क्योंकि आप लोग इतना डिमांड करते थे, इतने सारे कमेंट्स आए थे जब मैंने अभी ट्रैवल ब्लॉग डाला था कि प्लीज हमें अपने परिवार से मिलाइए, ये मिलाइए। तो उसके लिए तो मुझे एड्रेस देना पड़ेगा, तभी वो घर आएंगे, तभी मिल पाएंगे। तो मैं वर्चुअली आप लोगों को मिलवा देता हूँ। ये है मेरी मॉम, प्यारी मॉम। अरे खुद ही बोल रही है, हाय आई एम मॉम। मॉम, मम्मा, मम्मी, इनको मैं बहुत सारे नाम से बुलाता हूँ। और आप मुझे किस किस नाम से बुलाते हो? गोगू, गोगी। ये नहीं बोल, गोगू तक ठीक था, बोल दो। और बिट्टू, बिट्टू, बिटुआ। हम क्या भोजपुरी लैंग्वेज के क्या? नहीं नहीं। तो ये है हमारी, बच्चों के लिए तो बहुत सारे नाम होते हैं ना मम्मी पापा के लिए। सबसे क्यूट आपको कौन सा लगता है? गोगू। लेकिन गोगू का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया अभी भी। गोगू का मतलब पंजाबी में जो प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे होते थे ना, उसको गोगू 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 गोगड़ी ऐसे बोलते थे। और गोगड़ी, गोगड़ी, गोगड़ी से फिर गोगू बन गया। और जो बच्चे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट नहीं होते थे उनको क्या बोगड़ी बुलाते थे? सब बच्चे माँ बाप के लिए सब प्यारे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कई लोगों को बच्चे पसंद होते हैं, कई लोगों को नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इरिटेट बहुत करते हैं, संभालना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, पर एक बात मुझे बताओ, तुमने मेरे को लगा बस एक ही बताए। ठीक है, आप पूछो, मैं आपसे पांच बातें पूछूंगा। अच्छा अच्छा, तो तुमने, मेरे को लग रहा है अपने बालों पे लॉकडाउन के पीरियड में ना बहुत मेहनत की है। बाल तुम्हारे बहुत शाइनिंग, सिल्की और बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मेरे को भी बता कोई टिप्स। आपके टिप्स तो मैं बताऊंगा। ये टिप्स मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि आप, कई लोगों का हेयर फॉल होता है। हाँ, तो वो लोग पूछते हैं हम लोग क्या करें, क्या करें, आप अपने बालों पे क्या लगाते हैं। इस लॉकडाउन में ना सिर्फ मैंने अपने बालों पे, मैंने अपने पूरे शरीर पे मेहनत की है, फिजिकली इंप्रूव है, प्रेजेंटेशन पे मेहनत की है। और जहां तक बात रही बालों की, तो बालों पे मैं जो प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ वो है ये। मैं यूज करता हूँ वाव स्किन साइंस का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। ये आपके हेयर लॉस को कम करने में आपकी मदद करता है और हेयर को रीग्रोथ भी करता है। इसके साथ आपको मिलता है एक कॉम्ब एप्लीकेटर जो आपकी हेल्प करता है बहुत इजीली रूट्स तक ऑयल को पहुंचाने में। फिर बारी आती है वाव स्किन साइंस के स्टिमुलेटिंग स्कैल्प मसाजर ब्रश की। आप बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए ऑयल को अपनी रूट्स तक पहुंचा सकते हैं एंड मसाज को इंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत रिलैक्सिंग और स्ट्रेस फ्री फील होता है, ट्रस्ट मी। मैं यूज़ करता हूँ वाव स्किन साइंस का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है एंड इसमें रियल अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड ब्लैक सीड ऑयल है। एंड इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल पैराबीन, सल्फेट, कलर और सिलिकॉन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये शैम्पू आपके बालों के लिए एकदम परफेक्ट है एंड दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। और फिर बारी आती है वाव स्किन साइंस रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल कंडीशनर की। ये भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है एंड इसमें किसी भी आर्टिफिशियल पैराबीन, सल्फेट, कलर, सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आपके डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है और हेयर फॉल को बहुत कम करता है एंड दिस इज ऑल्सो सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स। और गाइस एक और प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, अभी तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने कंडीशनर कर लिया, लेकिन मैं यूज करता हूँ वाव का हेयर मास्क। ये आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड ये आपके वीक हेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और डैमेज्ड हेयर को रिपेयर करता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वाव को बाकी के ब्रांड से अलग करता है, जिसमें से मेरा फेवरेट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी केमिकल्स नहीं है इसमें, जो कुछ भी है नेचुरल है। एक और जो खास रीजन है वो है वुमेन मेड, वुमेन पावर्ड, यानी कि जो भी इनका स्टाफ है, जो भी लोग मदद करते हैं इन प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने में, बनाने में, उसमें से 80% जो है वो वुमेन है। अगला जो रीजन है वो है एनिमल लव। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मुझे एनिमल से कितना प्यार है, उतना ही प्यार वाव को भी एनिमल से है। इसलिए कोई भी टेस्टिंग, जो भी नया प्रोडक्ट बनते हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग किसी भी एनिमल पे नहीं की जाती है। एकदम क्रुएल्टी फ्री है, यानी कि किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाया जाता है। एक और जो इनका खास पॉइंट है वो है इको फ्रेंडली पैकेजिंग, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करते हैं, जो भी आप इनके थ्रू ऑर्डर करके मंगवाएंगे, जो भी पैकेजिंग होगी उसमें से जो 30% है वो रिसाइकल्ड है। रिसेंटली वाव ने अपनी एक ऐप लॉन्च की है जो बहुत ही इजी टू यूज है, इजी टू नेविगेट है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो आप ऐप पे जाकर ले सकते हैं और साथ ही साथ उसे वहीं से खरीद भी सकते हैं। उस ऐप पे सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं।
और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप अपने वाव के प्रोडक्ट्स को स्कैन भी कर सकते हैं थ्रू QR कोड स्कैन, और हर कोड स्कैन के साथ आपको मिलेंगे कुछ पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स काम आएंगे आपके नेक्स्ट परचेज में। सो आप लोग वेट क्या कर रहे हैं, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड कीजिए, शॉपिंग स्टार्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए। सो मम्मी आपको पता है आज का मुद्दा क्या होने वाला है? नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि आप आजकल स्मार्टफोन थोड़ा बहुत यूज करना सीख गए हो। मम्मी यूट्यूब देख लेती है, मम्मी मेरे वीडियोस देख लेती है, और जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स होती हैं वो सारे देख लेती है, और इनफैक्ट कई बार तो मम्मी मुझे वो खबरें बताती हैं जो मुझे भी नहीं पता होती मेरे बारे में, जो कि रूमर्स होते हैं। सो मम्मी देखती है, अरे गूगल पे मैंने तेरे बारे में ये पढ़ा। सो मम्मी काफ़ी एडवांस होती जा रही हैं, सो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से एडवांस टेक्नोलॉजी का कुछ सीखा जाए। अच्छा? मतलब क्योंकि हम सब कुछ आपसे ही सीखें, तो ये भी लगा दिया बीच में। अच्छा? बाकी वीडियो से कोई लेना देना इसका है नहीं। इंस्टाग्राम मम्मी एक ऐप है जिस पे हम लोग अपने पिक्चर्स, वीडियोस या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी डालते रहते हैं, और मुझे पता है आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 बेहतरीन पिक्चर्स, और आपको रिएक्ट करना है, आपको नॉर्मल रिएक्ट करना है कि जो भी आपको वो पिक्चर देख के लग रहा है। कैमरे पे मैं वो पिक्चर्स दिखाऊंगा और वो पिक्चर्स सेम टाइम पे आपको भी दिखाऊंगा, आपको रिएक्ट करना है कि आपको वो पिक्चर्स कैसी लगी। That's so simple, right? Okay. So, चलिए गाइस शुरू करते हैं हम आज का My Mom Reacts to My Instagram Pictures. So, guys, जो मैं अपनी मॉम को पहली पिक्चर दिखाने वाला हूँ वो है ये। मम्मी क्या कहना चाहोगे? स्नेक है? नहीं नहीं, ये स्नेक थोड़ी, ये तो नूडल है, चौमिन, चौमिन खा रहा हूँ मैं। चौमिन खा रहा? बड़ी चौमिन होती है ना, बड़ी चौमिन, ये इतनी नहीं, बड़ी नहीं, ये इतनी बड़ी चौमिन नहीं, मेरे को लग रहा है तो सपेरा बन गया। ये बहुत अच्छा स्नेक है, कुछ करता वरता नहीं, नहीं नहीं, बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत प्यार से रहता है, बहुत सिखाया हुआ है इसको, बहुत सिखाया है, ट्रेंड है। अगर आप मुंबई जैसा, अरे झूठी तारीफें करे जा रही है मम्मी वीडियो में, बहुत ट्रेंड बंदे है, मेरे फ्रेंड का है। अच्छा, तो काफी लोग इसको देख के डर रहे थे कि यार ये क्या पकड़ लिया तुमने हाथ में, मेरे को भी डर लगा था जब मैंने, लेकिन ये बहुत ही फ्रेंडली है, सब लोगों को मैं बार बार बोल चुका हूँ, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो ये पिक्चर मेरे इंस्टाग्राम पे है, क्या मैं इसे रखूं वहां पे या डिलीट कर दूं? नहीं नहीं रखो। क्यों, इससे शादी होनी है मेरी? शादी तो नहीं होनी है, बल्कि होने, अगर शादी होने भी वाली है, शादी होने भी वाली होगी तो ये पिक्चर देख के लड़की वाला, जो लड़की आएगी उसको भी पकड़ाएंगे। अच्छा, तो मतलब ट्रेंड, हाँ। लड़की चाहिए ट्रेंड, जो पेट्स के साथ अच्छे से हाँ। रह पाए, क्योंकि इसको खुद को पेट्स से बहुत शौक है, लड़की भी खुद को पेट्स से बहुत शौक है, बिल्कुल, बहुत लगाव है, लगाव है, और मैंने रात को देखी लगान है। सो गाइस जो दूसरी पिक्चर मैं दिखाने वाला हूँ वो है ये। अरे वाह, ये तो जो बॉडी बनाई है ना लॉकडाउन में, पहले नहीं थी अच्छी, पहले इतनी नहीं थे। अरे यार तुम कैमरे पे, इस बार तो आप हर बार मुझे क्यों बोलते थे कि पहले बहुत अच्छी हो गई, अच्छी हो गई, झूठ बोलते थे? माँ बाप हमेशा ऐसे बोलेगा तो बच्चे और आगे ज्यादा राइस करते हैं ना। अच्छा। इसलिए ये बोलना पड़ता। और अगर बच्चों को राइस पसंद ही नहीं हो तो चपाती करते? मेरे को इससे तेरे ना बचपन की फोटो याद आ रही है, मेरे पास होगी भी शायद, बचपन में भी आए थे मेरे, बचपन में इसने सलमान खान के गाने पे यही बिल्कुल इसी पोज में टावल वाला गाना था ना, कौन जीने सा था? चार दिन आई नो, जीने गए, वो इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था जो इसने स्टेज पे दिया था। और बिल्कुल सलमान खान स्टाइल था, वही स्टाइल था इसका, और हर किसी ने मुझे कहा था कि ये सलमान खान जैसे डांस करता है, सलमान खान के आप नक्शे कदम पे चल रहे हो। लेकिन क्या मैं सलमान खान जैसा डांस करता हूँ? अगर हाँ तो नीचे लिखिए हाँ, अगर ना तो नीचे लिखिए ना, और अगर मेबी तो नीचे लिखिए बेबी बेबी। ये क्या था? तो ये फोटो रखूं या डिलीट करूं? नहीं नहीं जरूर रखो, जरूर रखूं, चलो ठीक है। सो थर्ड नंबर की जो पिक्चर मैं मम्मी को दिखाने वाला हूँ वो है ये। इसके बारे में क्या कहोगे? तो मेरे को ठीक तरह से दिख नहीं रही, जूम करते हैं, मम्मी का थोड़ा आईसाइट का है। ये लो मोहना, और ये लड़का बंदर, तू ये बताओ क्या कैसी लगी आपको ये पिक्चर? कहाँ की पिक्चर है ये? पिक्चर बहुत अच्छी है, मेरे को लग रहा है कहीं ये जयपुर की तो नहीं है जो मोहना जयपुर आई थी। कोई फर्क नहीं रह गया है दुनिया वालों में, ग्रीस को जयपुर बता देते हैं, ग्रीस की पिक्चर है ये, ग्रीस की है। अच्छा, ये तो मेरे को क्या पता, अब तो मोहना देहरादून में है। सो ये रखनी है डिलीट करनी है? रखो, मोहिना को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मोहिना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चौथे नंबर की जो पिक्चर है वो मैं मम्मी को दिखाने वाला हूँ, और वो पिक्चर है मम्मी ये। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये मेरे को लग रहा है कोई स्पेशल फोटो है और स्पेशल लड़की है।
स्पेशल लड़की क्या है, मतलब क्या इसके 10 कान है, 5 मुंह है, 4 नाक है, कुछ स्पेशल लग रहा है, कुछ स्पेशल लग रहा है। स्पेशल लड़की से क्या मतलब है आपका? स्पेशल क्या होती है लड़के यार, लड़की लड़की होती है, लड़के लड़के होते हैं। ये है कौन पहले? अरे ये कनिका है, कनिका जो घर पे आई थी उस दिन। कनिका है? हाँ, डिनर पे। इसका तो साइड पोज ही नहीं समझ आ रहा। आपको इसका फ्रंट नहीं समझ आता क्योंकि है इतनी। समझ नहीं, चेहरा ही नहीं दिख रहा ना, साइड पोज है ये कनिका। अच्छा। ही है। हमने एक फोटो शूट किया था जयपुर में, आई थिंक। हाँ। so, ये वो एक फोटो शूट हमने तो किया। कोई ऐसी नहीं है तेरी नजर में वो वाली फोटो? ऐसी मतलब ऐसी? नहीं नहीं, बस स्पेशल वाली। स्पेशल वाली लड़की नजर में तो कोई नहीं। कोई नहीं है। कब आएगी? कब आएगी ये मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता दो यार, अगर कोई रिकमेंडेशन है तो बता दो, क्योंकि जब से आया हूँ 10 दिन में मम्मी 4 बार शादी के लिए पूछ चुकी है और बहुत लोग भी कमेंट में पूछ चुके हैं कि भाई रव का मुद्दा जो आप सिंगल हो के कैसे हो। हाँ, रव का तो मुद्दा में भी लोग यही सवाल पूछते हैं कि भाई आप शादी कब कर रहे हो, आपका कब होगी शादी, आपके बच्चे कब होंगे। मैं बोलता हूँ भाई पहले शादी तो हो जाने दो मेरी, तो अभी कोई प्लान्स ऐसे है नहीं क्योंकि मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। मैं उसमें विश्वास रखता हूँ कि जब तक आप सीरियस नहीं हो, जब तक आप फील ना करो प्यार को, तो वो प्यार में मजा नहीं होता। बिल्कुल। तो जब वो ऐसी कोई लड़की मिलेगी मैं डेफिनेटली शादी करूंगा और आपसे अप्रूवल तो लेके रहूंगा। सो इस पिक्चर को मैं इंस्टाग्राम पे रखूं या नहीं रखूं? नहीं नहीं रखो। नहीं नहीं रखूं या रखूं? नहीं रखो। और रखो रखो रखी। चलते हैं आज की आखिरी पिक्चर की तरफ। अच्छा, सो गाइस आज की हमारी लास्ट पिक्चर है ये। अरे वाह, ये भी बॉडी वाली पिक्चर है। बॉडी वाली पिक्चर। मेरे को लग रहा है आजकल बॉडी दिखाने का अब शौक आ गया सबको। सबको नहीं, मैं आजकल ज्यादा दिखा रहा हूँ। क्या आप ये मेरे पे टॉन्ट मार रहे हो? बॉडी जो बनाई है उसको दिखाना भी चाहिए। दिखाना नहीं, मैं मतलब शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि यार अगर कोई हमसे मोटिवेट हो रहा है, अगर कोई हमसे इंस्पायर हो रहा है लॉकडाउन में, क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ मैक्सिमम लोग लॉकडाउन में वेट बढ़ा रहे हैं, मतलब बढ़ा नहीं रहे, अपने आप ही बढ़ रहे हैं। खाए जा रहे हैं समोसे, कचौरी, जलेबी, रबड़ी और पता नहीं क्या क्या, लस्सी, छाछ और चिकन, पता नहीं क्या। लॉकडाउन में इन्होंने बॉडी बनाई है। हाँ, तो मैं उनको सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ अपनी ऐसी पिक्चर्स डाल के। हाँ। सो मैं चाहता हूँ आप लोग भी निकल पड़िए क्योंकि इंतजार किस बात का यार। अगर अच्छी चीज शुरू करनी हो तो उसके लिए कोई अलार्म नहीं लगाया जाता, कोई घंटी नहीं बजाई जाती। अगर घंटी बजाई जाती है तो सिर्फ सब्सक्राइब करने की घंटी बजाई जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और रव का मुद्दा का सवाल भी आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं। और अभी जाने के बाद आपको सुनाई देंगे कुछ शाउट आउट और रव का मुद्दा के सवाल के जवाब। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी मम्मी कैसी लगी। एंड ऐसे ही अच्छा अच्छा रिस्पांस आता रहा तो मैं, और भैया ये भी हो आप, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, अचानक से ये कब सीखा आपने? तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छा था। सो आप लोग बता दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, बहुत प्यार दीजिएगा। अगर ऐसा ही प्यार आता रहा तो मैं आपको अपने पूरा होम टूर भी दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ अपने दूसरे परिवार के सदस्यों से भी मिलाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिएगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब एक बार वो कर दो एंडिंग वाला। और आज का मेरा शाउट आउट जाता है देवेंद्र कुमार, कृतिका कुमारी और दिया सूद को। और आज का रव का मुद्दा का सवाल पूछा है महेश कुमार जी ने, और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरा फेवरेट पेट कौन सा है। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सारे ही मेरे फेवरेट हैं। और दूसरा इनका सवाल है कि क्या मैं उन्हें मिस करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं उन्हें मिस करता हूँ क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, वो मुंबई में है, लेकिन जो भी मेरे दोस्त मुंबई में हैं वो वीडियो कॉल पर मेरी उनसे बात करवा देते हैं।